और बीजापुर में जवानों ने चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया विस्फोटक के साथ। दरअसल ये सोमानपल्ली बंदेपारा के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। सर्च के दौरान डीआरजी के जवानों ने इन्हें गिरफ्तार किया। और बात करेंगे श्रीनिवास नायडू से। श्रीनिवास, क्या है पूरा मामला? देखिए, नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। मध्य थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली और बंदे पारक के पास जब डीआरजी जवान सर्चिंग में निकले थे, तभी चार माओवादी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसमें टिफिन बम है, माओवादी बैनर पोस्टर है, फ्यूज वायर है। तो ये विस्फोट सामग्री लेके वो वहां घूम रहे थे, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने उनको घेराबंदी करके पकड़ा है। साथ ही पूछताछ में बताया है कि ये जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम आईडी प्लांट करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद डीआरजी जवानों ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभी बता दूं कि कुछ दिन पहले मध्य थाना क्षेत्र में ही एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जहां पर एक बड़ी माओवादी को ढेर किया गया था, जिसके बाद इलाके की सर्चिंग तेज कर दी थी और आज एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप आगे बनाए रखिएगा। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जनता ने पीएम मोदी की